अस्सलामुअलैकुम, मैं अभी आपको बताती हूँ कि हम इसमें सेशन जो है वो कैसे ऐड करेंगे। अपना लॉगिन जो है वो मैंने ओपन किया है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास सेटिंग सेटिंग में ईयर्स का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो ये ईयर्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने, मैंने कल सेशन जो है वो क्रिएट किया था, आपको मैं बताती हूँ कि सेशन कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ से ऐड ईयर पे क्लिक करेंगे, ऐड ईयर, यहाँ हम जो है वो इसका टाइटल लिखेंगे, जैसे हमारा एकेडमिक सेक्शन जो है वो सेशन 2024-25 है, ठीक है, या एकेडमिक ईयर 24-25, इसकी जो है वो लिमिट है, इसलिए जो है आप ध्यान से इसका जो है टाइटल लिखेंगे, ठीक। स्टार्टिंग डेट लाइक ये 8th से स्टार्ट होगा या 15th अप्रैल से स्टार्ट होगा, और ये एंड डेट जो है वो नेक्स्ट ईयर 25 मार्च 28 मैक्सिमम फ्राइडे तक जो है वो इसकी डेट बनेगी। सबमिट कर देंगे तो वो एकेडमिक ईयर जो है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ, ये एकेडमिक ईयर जो है अगर आप सामने ही देख रहे हैं तो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड था तो मैं इसको यहाँ से भी तो डिलीट कर दूँगी। अब एकेडमिक ईयर क्रिएट करने के बाद आपने स्टूडेंट्स को जो है वो आगे एडवांस क्लासेस में जो है वो शिफ्ट करना है, जिसके लिए आप जो है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे एडवांस टू नेक्स्ट ईयर, ये क्लिक किया, ठीक है। अब आपके सामने फ्रॉम का मतलब कि जो लास्ट प्रीवियस ईयर वो, और यहाँ पर जो है आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और ये टू में कि ये नेक्स्ट ईयर जो है वो जिस सेशन में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्कूल का नाम, ईयर जो है वो लास्ट ईयर का आएगा कि किस ईयर से किस ईयर में ट्रांसफ़र करना है, 2023-24 सेशन 2023-24 है। स्टेज जो है वो मैं मिडिल सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैं क्लास 6th के ए के स्टूडेंट्स को जो है वो, अगर आप यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है तो देखें कि ये सारे 6th ए के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सेक्शन लिखा हुआ है और ये 6th ए के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। इन सबको प्रमोट कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि, या है ऑब्वियसली होगा कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ से हम अनसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। लाइक ये 3 स्टूडेंट्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हो रहे हैं तो उन्हें मैं अनसेलेक्ट करूँगी, ठीक है। अनसेलेक्ट करने के बाद जो है, अगर यहाँ नीचे लेकर आऊँ तो अगेन आपके पास नेक्स्ट ईयर किस ईयर में प्रमोट करना है, नेक्स्ट सेशन में मिडिल और अपग्रेड 7th ए में उनको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और ये यहाँ पर मैं ए सेक्शन में ने ट्रांसफ़र कर दूँगी। अच्छा, अभी ऐसा है कि कुछ स्कूल्स में शफल किया है, लाइक 6th ए के स्टूडेंट्स को 7th ए और बी में जो है शफल किया, और बी के स्टूडेंट को सेम एज ए और बी में जो है वो शफल किया है। तो शफल करने का तरीका भी ऐसा ही होगा कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स जो हैं, अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है 7th ए को, तो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो 6th ए से 7th ए में शफल होंगे, आपने सिर्फ उनको सेलेक्ट करना होगा। मल्टीपल जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनको यहाँ से जो है वो चेकआउट कर देंगे कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे 7th ए में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो ये सारे यहीं पे रह जाएंगे और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 7th ए में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको दोबारा से इनको सेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उनको सेक्शन बी सेलेक्ट करके, कि जो बाकी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो सेक्शन बी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये काम आपको करना लाजमी है, ठीक है। यहाँ से जब हम इन स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे, नेक्स्ट में जो है वो हम सबमिट कर देंगे, तो ये स्टूडेंट्स जो हैं आगे सबमिट हो जाएंगे। जैसा कि मैं बता रही हूँ, ये मैंने सबमिट किया, ठीक है। यू विश टू कंटिन्यू कि 37 स्टूडेंट्स थे, क्या मैं इन्हें आगे ट्रांसफ़र करना चाह रही हूँ, तो मैंने कंफर्म कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं सारे, अगर आप देखें तो इन सब के जो है वो टिक लगा हुआ आ गया, तो इसका मतलब है कि ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं
वो सिक्स्थ सेक्शन से सेवन्थ सेक्शन में जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं, प्रमोट हो गए हैं, जो भी। ठीक है, ये टोटल काम है।